आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम में किसी भी पोस्ट को पोस्ट करते हो और वो डायरेक्ट आपके फेसबुक में चला जाता है तो इसे आप कैसे रोक सकते हो एंड कैसे आप अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करोगे तो वो आपके फेसबुक में नहीं जाएगा, ये कैसे किया जाता है। देखो, होता यह है कि आप जैसे यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो एंड जो भी कुछ आपको जो भी फोटो वगैरह कुछ भी अगर आपको पोस्ट करना है ना, इस तरीके से प्लस में आप आते होगे एंड यहाँ पर आपको पोस्ट का जो ऑप्शन मिलता है ना, आप यहाँ पर सिंपली पोस्ट करते होंगे। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने फोटो ले लिया एंड ये वाला फोटो को यहाँ पर मैं पोस्ट करके भी दिखाने वाला आपका सामने। तो यहाँ पर देखो, जो हमें ऊपर एरो मिलता है, इस एरो में हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कैप्शन वगैरह लिखना हो तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली हमें जो राइट का ऑप्शन मिलता है ना, आप यहाँ पर सिंपली इसे क्लिक करते होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो हमारा जो पोस्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर पोस्ट हो जाता है देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम में आ चुका है। लेकिन यही वाला पोस्ट हमारे फेसबुक में चला जाता है अगर फेसबुक आपका इंस्टाग्राम से लिंक है। तो देखो यहाँ पर फेसबुक मैंने ओपन किया, यहाँ पर जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, यहाँ देखो फेसबुक में भी यहाँ पर ये वाला पोस्ट आ चुका है। तो कैसे इसे हम रोक सकते हैं, कैसे अपने फेसबुक में आने से अपने फोटो को बंद कर सकते हैं जो कि हमें सिर्फ इंस्टाग्राम में भी चाहिए फेसबुक में नहीं चाहिए, तो चलो उसे देख लेते हैं। तो उसे कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं फेसबुक से फोटो को डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि मैं जो भी कुछ अभी फ्रेश करूंगा वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर लाइव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये वाला फोटो को डिलीट कर दिया एंड इसी तरीके से यहाँ पर इंस्टाग्राम में भी मैं ये वाला फोटो को यहाँ पर डिलीट कर देने वाला हूँ ताकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं यहाँ पर करने वाला लाइव यहाँ पर आप देख सको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इंस्टाग्राम से भी ये वाला फोटो को डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको करना कैसे है, कैसे आपको पोस्ट करना है ताकि फेसबुक में आपका जो भी फोटो या फिर पोस्ट हो वो नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पर सिंपली इंस्टाग्राम ऐप को इस तरीके से ओपन करोगे, यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको जो प्लस का ऑप्शन मिलता है ना, आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको अगर आपको पोस्ट करना है तो यहाँ पर देखो पोस्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है, इसमें आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो जो भी फोटो आप चाहते हो पोस्ट करने के लिए उसे ले लेना। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये वाला फोटो ले लिया एंड इसी वाला फोटो को यहाँ पर मैं पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे एरो में क्लिक किया एंड देखो उसी के नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है शेयर टू फेसबुक। देखो यहाँ पर ये ऑन दिखाई दे रहा है ना आपको, बस इसे यहाँ पर सिंपली आपको ऑफ कर देना होगा। देखो यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन मिलता है, आप देख लो यहाँ पर लाइव अभी करके दिखाने वाला। देखो यहाँ पर मैंने ऑफ किया, इसके बाद यहाँ पर राइट कर रहा हूँ एंड अब देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम में जो पोस्ट है वो यहाँ पर पोस्ट हो चुका है देख पा रहे हो इस तरीके से। एंड यहाँ पर चलो फेसबुक में दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर फेसबुक में रिफ्रेश करूंगा एंड यहाँ पर वो फोटो नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपने वाला सेटिंग को ही ऑफ कर दिया। बाकी अगर आपको अपने इंस्टाग्राम में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप इस वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर ऐसे वीडियो बनाया गया है जो आपके प्रॉब्लम का ध्यान में रखकर बनाया गया है, इनमें से कोई ना कोई वीडियो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर देने वाला है। तो क्लिक करके जरूर देखना है, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि इस तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहती है। ओके, तब मिलता हूँ ना नेक्स्ट वीडियो में।